हेलो गाइस, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूँ आपके टेप चैनल पर, जहाँ आपको सारी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। आशा करता हूँ आपको सारी वीडियो पसंद आएंगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज के बारे में, जो आपके बहुत काम आएंगे। आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल शिफ्ट टेन, जिससे हम अपने पीसी में नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड है हमारी F2, जिससे हम अपने फोल्डर का नाम एडिट कर सकते हैं। थर्ड है हमारी कंट्रोल एन। जब भी हमें किसी भी फोल्डर का हमें डुप्लीकेट क्रिएट करना होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं कंट्रोल एन प्रेस करके। ये हमारे कंप्यूटर जो भी फोल्डर खुला हुआ उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देता है। आप देख सकते हैं नीचे मैंने सारे डुप्लीकेट बना दिए हैं इसने सेम फोल्डर के। फोर्थ शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट और राइट एरो की, जिससे हम किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए डबल क्लिक करते हैं। तो हम और इसमें आपको करना है, जिस भी फोल्डर के आपके अंदर जाना है, आपको अंदर जाना है, उस फोल्डर पर सेलेक्ट करिए और ऑल्ट एरो की दबाइए राइट वाली, तो उससे आप उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। और फिफ्थ हमारी ऑल्ट लेफ्ट एरो की, जिससे आप अगर वापस आना है उस फोल्डर के बाहर आना है, तो उसको ऑल्ट लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा ऑल्ट एंटर। अगर हमें किसी का भी प्रॉपर्टी देखनी होती है किसी फोल्डर की, तो उस पर हमें बस ऑल्ट और एंटर दबाना होता है और उसकी हमारी प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती है सामने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की के पास। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस डिलीट, जिससे हमें किसी भी फोल्डर को डिलीट करना होता है, तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट करके हम उसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, जो कि हमारे रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। हम चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर को, मतलब सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की या जो भी फाइल है उसको हम डिलीट करेंगे, तो वो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, डायरेक्टली एकदम डिलीट हो जाएगा वो। हम सिर्फ डिलीट दबाएंगे तो वो डिलीट ऑप्शन में जाएगा और रिसाइकल बिन में जाएगा, और सिर्फ डिलीट से वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी विंडो प्लस नंबर की। हमें नीचे जो टास्क बार में जितने भी ऐप दिए होते हैं, अगर हमें उसे बिना उस पर क्लिक किए ओपन करना है, तो हम विंडो और वो जिस नंबर पे है हमें वो क्लिक करना है। जैसे क्रोम मेरा 2 नंबर पे था, मैंने विंडो प्लस 2 दबाया तो विंडो 2 से क्रोम ओपन हो गया। मैं विंडो 3 दबाऊंगा तो ये मेरा तीसरा ऐप ओपन हो जाएगा। विंडो एम 1 दबाऊंगा तो मेरा ये एक्सप्लोरर ऑन हो गया। ये काम होता है हमारा विंडो और नंबर की का। अगर मैं बताऊंगा टास्क बार को और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारी शॉर्टकट की का सेशन खत्म हो गया। आगे चल के मैं और भी शॉर्टकट की लेके आऊँगा। प्लीज़ लाइक कीजिए।